गाइस देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ का फाउंटेन कितना सुंदर है, बिल्कुल उद्यान के अंदर। और यहाँ पे देख गाइस ये हम पहुँच चुके हैं अमृत उद्यान में, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये है यहाँ पे चेकिंग पॉइंट, यहाँ पे आपका लगेज वगैरह बैगेज वगैरह चेक होता है, टिकट चेक होती है। और टिकट चेक करने के बाद आप यहाँ से अंदर आते हैं, पे आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ दे रखी है, वो देखिए वहाँ पे जो आपका लगेज है, अगर हैवी लगेज आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लॉक रूम में सबमिट करा सकते हैं। वैसे अमृत उद्यान के बिल्कुल एंट्रेंस में आपको यहाँ पे बेबी केयर रूम और फर्स्ट एड पोस्ट भी आपको दिखाई देगा, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ आप यहाँ पे बच्चों के साथ डाइपर्स वगैरह चेंज जैसे करना हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। आगे अमृत उद्यान के अंदर और यहाँ पे देखिए अंदर आते ही आपको एक सेल्फी पॉइंट दिखेगा, आप यहाँ पे फोटो अपनी सेल्फी खिंचवा सकते हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा मौसम है, खिली धूप निकली हुई है और गाइस थोड़ी गर्मी भी है। बट ये आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपको ब्लू स्टार का देखिए आरओ लगा हुआ है, आप अंदर आएंगे आपको पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ पे ठंडा पानी पी सकते हैं। अमृत उद्यान का फर्स्ट स्टॉपेज बाल वाटिका, जहाँ पे आप देखेंगे कि मेन अट्रैक्शन जो हैं जैसे बॉबलिंग ब्रुक और यहाँ पे कुछ भी है 225 साल पुराना। तो गाइस देखिए अंदर चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे वो जहाँ पे पानी आ रहा है यहाँ पे बाल वाटिका के अंदर 225 साल पुराना शीशम का पेड़। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर उन्होंने ट्री हाउस बना रखा है। सो गाइस ये है यहाँ पे अमृत उद्यान का फूड कोर्ट और यहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, पाव भाजी, वेज फ्राइड राइस। तो देखते हैं अंदर कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी इन्होंने अच्छा बना रखा है, यहाँ पे बैठने की जगह है और ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉल्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी खाने की आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए गाइस यहाँ से अमृत उद्यान की हमने एंट्री ली थी, वहाँ से स्टार्टिंग में बाल वाटिका था और उसके बाद ये अलग से दूसरे पार्क में एंट्री की गई है। ये देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर प्लांटेशन करी हुई है, फ्लावर्स अलग अलग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। सामने जैसे सेल्फी के लिए उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है अमृत उद्यान करके, तो इस तरह से बनाया हुआ है, ये देखिए। इस समय तो मोस्टली ये सदाबहार के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे और इधर सारा ये प्लांटेशन हो रखी है जो ये कलरफुल लीव्स होती हैं, इधर ये गुड़हल वगैरह के फूल हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है ना वो इतने पुराने पुराने हैं, मतलब बरगद के पेड़ वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर सारे ना, देख सकते हैं। यहाँ पे ना आर्टिफिशियल ये कमल के फूल लगा रखे हैं इन्होंने काफ़ी सारे, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, पूरी रैलिंग के चारों ओर लगाए हुए हैं। वैसे ये सब ना बोनसाई प्लांट्स हैं, जैसे आपको पता ही होगा जो छोटे स्ट्रक्चर मिनिएचर प्लांट्स होते हैं, ये ट्रीज होते हैं उनके, ये होते हैं ये सारे बोनसाई ट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लग रहा है ना दूर से देख के वही ये जो मार्बल्स इसमें डले हुए हैं ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के, ये देख सकते हैं आप अलग अलग ट्रीज़ यहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे में, ये देखिए कितना प्यारा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अब हम आ गए हैं जो म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं उनके पास। मुझे तो बेस्ट पार्ट जो है इसका वो यहीं पर लगा कि आपको एक रिफ़्रेशमेंट फील होगी यहाँ पर आकर, दूसरी बात म्यूज़िक चल रहा है काफ़ी अच्छा यहाँ पर और सिटिंग बेंचेस भी हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और सबसे अच्छा व्यू जो है वो इसी का है जो म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं। ये आप जैसे ही बोनसाई गार्डन से बाहर निकलेंगे ना वहीं से डायरेक्ट इसमें यहाँ आने का रास्ता है। गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर म्यूजिकल फाउंटेन है यहाँ पे, आप अमृत उद्यान में आएंगे और आपको यहाँ पे बेंचेस बैठने को मिलेंगे, यहाँ पे आराम से बैठ के देखिए और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर यहाँ पे ये म्यूजिकल है गार्डन, कंटिन्यूसली चलता रहता है। और यहीं से अभी आगे दूसरे गार्डन का इन्होंने रास्ता दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। बैक साइड है इसका राष्ट्रपति भवन का, वहाँ पर है ये पूरा गार्डन। की अगर आप राष्ट्रपति भवन के कभी अंदर भी गए होंगे ना तो वहाँ से ये पूरा विंडो से पूरा व्यू आता है इसका, ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे खिले हुए हैं, गुलाब वगैरह के, बीच में फाउंटेन चल रहा है। ये देखिए गाइस राष्ट्रपति भवन का बैक यार्ड यहाँ से दिख रहा है, कितना गजब व्यू है यहाँ पे, देखिए एकदम खुला आसमान है और यहाँ पे अमृत उद्यान की हरियाली देखिए, ग्रीनरी देखिए, अलग अलग तरह के प्लांट्स, फाउंटेन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, म्यूजिकल फाउंटेन्स है, कितना अच्छा व्यूज है गाइस। और यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है। ये देखिए गाइस ये बिल्कुल यहाँ से
बैकयार्ड दिखेगा इसका, पार्लियामेंट हाउस का। और गाइस एक बात आपको बता दूँ कि जब अभी हम पार्लियामेंट हाउस की मेन बिल्डिंग में गए थे तो वहाँ से जो विंडोज दिख रही है वहाँ से हमने यहाँ का व्यू देखा था, तो पूरा यहाँ से अमृत उद्यान का यहाँ से व्यू दिख रहा था। गाइस पार्लियामेंट हाउस जो है वो 5 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और ये पूरा अमृत उद्यान 15 एकड़ के अंदर अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ट्रीज, उनकी कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है, बिल्कुल सिमेट्रिक व्यूज आ रहा है बिल्कुल सारे पेड़ों का। प्लांट्स कितने अच्छे यहाँ पे प्लांटिंग कर रखी है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है, जैसा कि एक प्रेसिडेंट हाउस प्रेसिडेंट एक डिज़र्व करता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे घूमने में काफ़ी, एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप दिल्ली में आए तो। ये देखिए गाइस यहाँ का फाउंटेन कितना सुंदर है, बिल्कुल बीच का फाउंटेन है ये। और यहाँ पे अभी वैसे पानी नहीं है बट फाउंटेन इसका काफी अच्छा सुंदर लग रहा है देखने में। जैसे जैसे शाम हो रही है और वैसे वैसे क्राउड बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये है रोज़ गार्डन जिसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ना स्कैन करने के लिए भी लगा हुआ है, अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर कौन से फ्लावर्स हैं, क्या उनकी डिटेलिंग है, तो ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेड रोज़, वाइट रोज़, येलो रोज़, पिंक रोज़, सारे तरह के रोज़ेस हैं। तो ये पूरा आपका रोज़ गार्डन ही है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर है, दोनों साइड यहाँ पर रोज़ेस लगे हुए हैं, देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। देखिए ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर यहाँ पे बना हुआ है, मतलब फ्लावर्स पूरा राउंड सर्कल में और बीच पे फाउंटेन चल रहा है, और इतने अच्छे से इन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है सारा। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सो गाइस ये था अमृत उद्यान का टूर, और इसके बारे में आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी पहले आने के लिए, और जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन की। और यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन पड़ेगा, वहाँ से आप शेयरिंग बेसिस पे ऑटो ले सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑटो ड्रॉप कर देगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।